नमस्कार, कांठल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ में आज कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा शपथ ग्रहण के बाद पहली बार पहुंचे हैं। यहां पर किला परिसर पे इसको लेकर इनका जुलूस निकाला गया है और मार्ग में जगह जगह सदर बाजार के व्यापारियों ने इनका भव्य आत्मीयता के साथ स्वागत किया है। वहीं अपने स्वागत से अभिभूत कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने शहरवासियों का आभार व्यक्त किया है। यहाँ पर शहर के सदर बाजार में जगह जगह इनका फूल माला पहनाकर साफा बंधवाकर और उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया है। वहीं महिलाओं की संख्या भी काफी तादाद में देखी गई है। यहाँ पर इनको श्रीफल भेंट कर और महिलाओं ने स्वागत किया है। वहीं बड़े बुजुर्गों ने इनको आशीर्वाद दिया है। यहाँ पर मार्ग में जगह जगह जहाँ पर हेमंत मीणा का स्वागत के लिए सत्कार के लिए इनको आमंत्रित किया जा रहा था, वहां पर सहज रूप से कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख शहर के मंदिर केशवराय मंदिर में दर्शन किए और वहां पर पंडित श्री हरि शुक्ल से आशीर्वाद लिया है। यहां पर इस दौरान इनके साथ मंदिर परिसर में पूर्व सभापति कमलेश जोशी एवं प्रतापगढ़ पंचायत समिति के प्रधान रमेश मीणा मौजूद रहे। वहीं यहां पर शहरवासियों का हुजूम इनके स्वागत के लिए उमड़ा है और प्रतापगढ़ शहर के बाजार के व्यापारियों ने खुले दिल से इनका स्वागत किया है। आपको बताना चाहिए कि प्रतापगढ़ में आज कैबिनेट मंत्री शपथ ग्रहण के बाद पहली बार पहुंचे थे, जिसके तहत इनका यहां पर स्वागत किया गया, जिसके पश्चात गांधी चौराहे पर आम सभा आयोजित की गई है। यहां पर आम सभा में भाजपा के तमाम पदाधिकारियों ने स्वागत सभा को संबोधित किया है। वहीं इसके पश्चात कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने अपने संबोधन में प्रतापगढ़ शहरवासियों को जो कैबिनेट मंत्री पद की इनको सौगात मिली है उसको लेकर जनता का आभार व्यक्त किया है और इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में पूरे राजस्थान का विकास किया जाएगा और कैबिनेट मंत्री होने के नाते इस क्षेत्र के लिए जो कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे और जिस तरह से इनके पिता पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा ने इस क्षेत्र को विकास की अनुपम सौगातें दी है उस क्रम को बरकरार रखा जाएगा और प्रतापगढ़ क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा में लाया जाएगा। वहीं यहां पर पूर्व सभापति कमलेश जोशी ने अपने संबोधन में जो पूर्व के कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा है उनके सम्मान में बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नंदलाल मीणा ने यहाँ पर विकास की सौगाती दी है उसी तरह से यहाँ पर वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा वो भी विकास की गंगा बहाएंगे और प्रतापगढ़ को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाएगा। वहीं इसके पश्चात शहर के नगर परिषद के बाहर नगर परिषद के सभापति रामकन्या प्रहलाद गुर्जर के नेतृत्व में हेमंत मीणा का गदा देकर और स्वागत किया गया है, जहाँ पर स्वागत के पश्चात जो कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा है इन्होंने प्रभु श्री राम के नाम के जयकारे लगाए। मनोज राठौर, कांठल की आवाज। जिसने चोटी रख रखी थी चोटी वाला खुद चलन पे, लेकिन उस चोटी ने चोटा वाला किया और आप लोगों ने जो न्याय दिया, आप लोगों ने जो भ्रष्टाचार का पहाड़ जो बनाया था उस भ्रष्टाचार के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए आपने एक एक कार्यकर्ताओं ने सत्य की एक चिंगारी से उस भ्रष्टाचार को ध्वस्त कर दिए, ध्वस्त कर दिया आपने। साक्षी है इतिहास अवध का, प्रगटे जहां श्री राम है। साक्षी है इतिहास अवध का, प्रगटे जहां श्री राम है। कहे काल्पनिक राम प्रभु को, वो तो नमक हराम है। जिनके नाम से सागर में पत्थर भी तिर जाते हैं, पाप बड़े तो पाप मिटाने वे स्वयं धरा पर आते हैं। नहीं दिखाई देते वे पामर कपटी दानव को, दिखलाई देते हैं वे पुण्यमयी हर मानव को। हे कमल नयन, हे दीन दयाल रघुराय और ललित राम है। कहे काल्पनिक राम प्रभु को, वो तो नमक हराम है। जान रही है दुनिया सारी, राम हमारे अन्नदाता, हम भी राम के वंशज हैं, यह देश राम का कहलाता है। श्री राम से पहचान हमारी, श्री राम से सब रिश्ते नाते, जन्म से लेकर मृत्यु तक काम हमारे राम आते। इष्ट देव सीतापति को बारंबार प्रणाम है। कहे काल्पनिक राम प्रभु को, वो तो नमक राम है। रामायण का पृष्ठ पृष्ठ याद दिलाता राम की, वाल्मीकि का श्लोक श्लोक छवि बतलाता राम की। श्री राम हमारे रग 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 में, श्री राम से जीवन पूरा है। श्री राम बिना तो सच कहता हूँ हिंदुस्तान अधूरा है। एक कृपा सिंधु है दीन दयाल प्रभु राय और ललित राम है। कहे काल्पनिक राम प्रभु को, वो तो नमक हराम है। और इस कविता का अंतिम बंद सुनिएगा, गलत पढ़िया और गठबंधन तक उन्हें भी तक ये बात जानी चाहिए कि जीता स्वयं मत, जीता स्वयं मत धनुष तोड़कर शूरवीर कहलाए। भेदभाव नहीं किया किसी से, शबरी के बेर भी खाए। लंका का राजा था दानव, छल कपटी
जलाना चाहिए। सदियों पुराना धर्म सनातन, सदियों पुराना धर्म सनातन, अवध के राजा राम है, कहे काल्पनिक नाम प्रभु मोचनम का राम है। जय हिंद जय भारत। एक ऐतिहासिक अवसर जिसको जुलूस के रूप में पूरे प्रतापगढ़ को राजस्थान के मानचित्र तक बताने के लिए पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार 2023 में एक चुनाव हुआ, आज लोग कुछ पुराने या विराजमान हैं। 1977 की याद पुराने लोगों को आ रही होगी, जब 77 में हमारे काठल के गांधी, जिन्होंने खून और पसीने से इस प्रतापगढ़ की सेवा की थी, उदयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़े, इस्तीफा देकर के सेवा में आए और कृपा हुई गैरू सिंह जी शेखावत की, और सिटी उत्तर में हमें सौभाग्य मिला कि प्रतापगढ़ का भी कोई मंत्री बन सकता है। और जब से नंदलाल जी मीणा मंत्री बने, मुझे याद है कई बार उनको ऐसे विभाग मिले जिस विभाग के माध्यम से पूरे राजस्थान में छा सकते, राजस्थान की वही वही ले सकते थे। लेकिन काठल के गांधी को हमने बहुत नजदीक से देखा है। काठल के गांधी की पीड़ा इस प्रतापगढ़ के विकास के लिए हमने बहुत करीब से देखा है। एक एक क्षण उन्होंने प्रतापगढ़ का विकास कैसे हो, और एक निवेदन करना चाहता हूँ, जब उनको गैरव सिंह जी और वसुंधरा जी ने बड़े बड़े मंत्रालय अवसर दिए थे, तब उन्होंने कहा था मुझे जनजाति दो। क्यों दो जनजाति? सड़क मंत्री विकास करता है सड़क का, ऊर्जा मंत्री करता है ऊर्जा का, बिजली पानी वाला मंत्री करता है पानी का, महिला बाल विकास करता है महिला बाल विकास का। लेकिन जनजाति विभाग नंदलाल जी ने इसलिए मांगा कि वो अपने आप में वो विभाग मुख्यमंत्री, वो सड़क भी दे सकता है, बिजली भी दे सकता है, पानी भी दे सकता है। और मुझे मालूम है पीपल फूट के उन गरीब मछुआरों को उन्होंने एक बार मछलियों के लिए जाल देकर के रोजगार का नाम उन्होंने दिया था। प्रतापगढ़ को जिला बनाया, आज ये कलेक्टर, एसपी, कलेक्ट्री, जिला परिषद, ये बड़े बड़े जो भवन देखने को मिल रहे हैं, ये क्यों मिल रहे हैं? 2008 में जब देवगढ़ हमारी मुख्यमंत्री जी बना रही थी, उन्होंने पूछा नंदलाल जी क्या चाहिए आपको, मैंने अभी तक मंत्री नहीं बनाया, तो बोले मेरे दिल में एक दर्द है, मंत्री बनू या ना बनू इस प्रतापगढ़ को जिला बना दो तो सैकड़ों वर्ष तक प्रतापगढ़ रहा। आज प्रतापगढ़ को जिला बनाया, इस शहर को जाखम का जल एक नहीं दो बार दिया, और आज यह मैं आप सबकी साक्षी में कहना चाहता हूँ कि शहर को नहीं दिया, 554 गांव के लिए 950 करोड़ रुपए की योजना, प्रतापगढ़ का एक एक गांव और ढाणी भी जल से नल पिए ऐसी व्यवस्था नंदलाल जी ने की। लेकिन नकारा सरकार अशोक गहलोत की और भ्रष्ट विधायक रामलाल मीणा उसको गोल और गोल कर कर गए। आज वो योजना भी हेमंत जी के मन और मस्तिष्क में, जिला बनाया, जाखम का पानी दिया, और हमारे आदिवासी अंचल के लोग जब कहते थे नंदलाल जी के, उधर के सब लोग जो हमारे आदिवासी अंचल के, वो कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, एडीएम बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, मेरे क्षेत्र का मेरा भी कुछ न कुछ बनना चाहिए। मैं दूसरी पार्टी के लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समाज के लिए यदि किसी ने आज तक दर्द लिया है और दिमाग में कोई पेन लिया है, तो वो काठल के गांधी नंदलाल जी मीणा से बढ़कर के कोई नहीं। उन्होंने छात्रावास के बीच करे और आज हमारे आदिवासी भाई पढ़ लिख करके संपन्न बन गए। आज ये मंदसौर की सड़क और ये धनोट की सड़क जिससे हम चुनाव हारे, लेकिन अच्छा हुआ हम चुनाव हार गए। 5 साल में कसो लगे हो आपने ठाकी गया। आज उन गांधी की पीड़ा और इस रामलाल का भ्रष्ट शासन
इन दोनों की तुलना 2023 में लोगों ने क्या उम्मीदवार उतारा। हेमंत मीणा ईमानदार, सहज, सरल, उदार, झूठ कहीं कभी बोलते नहीं, धर्म के प्रति श्रद्धा। और आज जब वो यहां से निकले तब ऐसा हमें सपने में भी नहीं था कि हमें इतना बड़ा उपहार भजन लाल जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिलेगा। लेकिन भैया पहुंचे और इस बार भाजपा बदली हुई है, पर्ची से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और भैया ने कहा कई ठिकानी बजरो कमलेश जी 115 ही में कई तो के आप देखो और जिनका नाम आए वो शपथ ले। और 115 हमारे एमएलए बैठे और जब 1, 2, 3, 5, 8, 9 और जब कैबिनेट की सूची चल रही थी और श्री हेमंत मीणा का नाम आया और वाह, क्या प्रतापगढ़ की लाखों लाखों जनता और आदिवासी संभाग के लोग एक उम्मीद से हेमंत की तस्वीर अपने दिमाग में ला करके एक सम्मान और विकास के सपने देखने लगे। लेकिन इनके जब कौन से इनकी हमारी बात हुई तो ये मम्मी का आशीर्वाद है और पापा का समर्थन। ऐसे ईमानदार पिताजी की यह संतान जो भंवर माता जी के आशीर्वाद से जिसने जन्म लिया और जिनके अंदर वो संस्कार, और देखो नंदलाल जी का पुण्य, आप कुछ भी कर लो 18 में खूब बातें भी, सांप गाना दे, सांप जोर भी बोले, सांप तो यूं के, लेकिन बीमारी कड़वी गोली से ही निकलती। और सांप का वो समर्पण, सांप की वो ईमानदारी, सांप की वो सादगी, मैं नाम नहीं लूंगा उन अफसरों के, कोई अफसर नहीं चाहता था बाबा तीन चार साल है ना, और अभी गए ना अंदर से वेदना लेके निकले कि क्या तो जीवन जिया इस व्यक्ति ने। एक बार विधायक बना, अब मेरे को बात करने में मजा नहीं आ रहा उसके बारे में, एक बार एमएलए बना एक बार, और बंगले देख लो, क्रेशर देख लो, अनेक अनेक संपत्तियां देख लो। उन अफसरों ने मुझे कहा कि अमरेश जी क्या तो जीवन जिया इस व्यक्ति ने, कौन सी घाट पर ही आराम कर रहे हैं और क्या घर है इनका, क्या व्यवस्थाएं हैं। 8 बार एमएलए, 4 बार मंत्री, 1 बार सांसद, अमेरिका में होटल खरीद ले। लेकिन ये जो लौट कर उनका पुण्य आया और हमारी पूर्व जिला प्रमुख माँ सुमित्रा जी की रूपी एक देवी, और उस देवी के पांव में राज, क्या गंभीरता, क्या ममता। जयपुर, कई लोग यहाँ से जयपुर गए होंगे, और एक सत्य रखना चाहता हूँ, आपको लग रहा है कि बदबू बहुत ज्यादा कर रहा है, मेरी अंदाज से 100 से 200 लड़कों ने साहब के निजी निवास पर रहकर के शिक्षा को प्राप्त किया और डिग्रियों को। और जब साहब मंत्री थे ना, कोई इलाज कराने जाता था, अनिल कौर कहते थे एक गाड़ी ले तू बैठ साथ अस्पताल तक जा, ये भाग बदलिया का मीणा है बेचारा जयपुर में घूम जाए, इसका इलाज होना चाहिए, ये दर्द कोई लेता है। और ये दर्द लिया नंदलाल जी मीणा ने, और उनके इसी दर्द ने, इसी पुण्य ने, इसी ईमानदारी ने, इसी सादगी ने, इसी उदारता ने, इसी महानता ने, इसी श्रद्धा ने लोगों के प्रति, आज भाई सरल एकदम हेमंत का चेहरा देखो आप, और देखो इसको हार कर ही सिकंदर बनना है, इसके नसीब में लिखा है। मैंने कहा था असम से मुख्यमंत्री जी आए थे, ये प्रधान का चुनाव लड़े, बसावा और अमलेश्वर 2 पंचायतें थी, हम चाहते थे कि साहब के सामने प्रधान बनेगा और कलम चलेगी, धीरे धीरे एमएलए बनेगा, लेकिन चुनाव हार गए। निराश नहीं, घर नहीं देखे, फील्ड नहीं छोड़ा, क्षेत्र नहीं छोड़ा, सेवा नहीं छोड़ी, बराबर लगे रहे तो प्रधान बने, फिर एमएलए का चुनाव लड़ा,
हार गए, कैसे हार गए आपको सबको मालूम है, लेकिन फिर हार करके जो जीते हैं ना, और जो तोहफा हम सबको मिला है, वाह। और मैं कह रहा हूँ कि अभी तो पता नहीं कितने मंत्रालय लेकर ये आएंगे, भगवान से प्रार्थना करो और राजस्थान की निगाहें शिक्षित नौजवान पर और भारतीय जनता पार्टी की और भजन लाल की निगाहें शिक्षित नौजवान पर टिकी है, और इससे उम्मीद है कि ये विराट कोहली है ये लंबी पारी खेलेगा। अब एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, आज हमने पेट भरकर के स्वागत किया है, इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली और इनको साबित करना है, तो इसमें हम साथ देंगे कि नहीं देंगे, पत्ता देंगे कि नहीं देंगे, हम इनको छोटी छोटी चीजों के लिए फोन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। देखो इनको जिम्मेदारी मिली और ये जिम्मेदारी प्रतापगढ़ के 270,000 मतदाताओं को मिली है, मैं कह रहा हूं, और 87,000 लोगों को खास जिम्मेदारी मिली है कि भैया को हम छोड़ेंगे कि आप प्रतापगढ़ सहित राजस्थान संभालो, पार्टी के सपने पूरे करो, पार्टी की अपेक्षाएं पूरे करो, और जिस प्रकार का उत्साह पूरे राजस्थान में हेमंत जी की शैली को लेकर है, हम अपने आप को 56 इंच के सीने वाला मोदी कहते हैं। हेमंत मीणा जैसा एक नौजवान, एक ईमानदार, एक मिलनसार, और चेहरे पर क्या हंसी, भगवान नजर नहीं लगे, ताला आप भी बोल रहे हैं, लोग तो ताला टीका लगाते हैं। हम बस आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु परमात्मा से, पहली प्रार्थना हमने जीत की, दूसरी अपने मंत्री की, अब तीसरी तो भगवान दशक साहब को और कुछ करेगा, और हम आप प्रतापगढ़ की विधानसभा की जिम्मेदारी हम सब कार्यकर्ता मिलकर के संभालेंगे, भी संभालेंगे, और हेमंत जी को भारतीय जनता पार्टी की सेवा और सरकार की छवि, जो कांग्रेस की सरकार की छवि बिगड़ी हुई है, उस छवि को सुधारने के लिए भाई हेमंत और हेमंत जी पूरी टीम के साथ एक नए राजस्थान की जो कल्पना होगी, उस राजस्थान की कल्पना के बहुत बड़े साथी होंगे। मैं आप सब की तरफ से भाई हेमंत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके मंगलमय भविष्य के लिए हम सब शुभकामनाएं करते हैं, और प्रतापगढ़ का यही प्रेम आपके हृदय में सदैव सदैव रहे। बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी के सभी मंच के विराजे पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चेयरमैन साहब आरोपल जी, पटेल साहब केसर सिंह जी, विमल जी मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक स्वयं जी भोटिया जी, पूर्व प्रदेश मंत्री और फरियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे भाई कल्याण जी, पंचायत समिति प्रतापगढ़ के प्रधान भाई रमेश जी, सभी मंडल के मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष और सभी पदाधिकारी, जब से परिणाम आया विधानसभा का, जब से लोगों के मन में एक ही प्रश्न था, जुलूस कब निकाल रहे, जुलूस कब निकाल रहे, रोज बोला डब जाओ डब जाओ, थोड़े दिन रुको, क्योंकि मेरा मानना यह था कि मोदी जी ने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चला दी है, जीतने के बाद स्वागत होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु जीतते ही
वापस लोगों के काम करना ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव और पिछले जो 5 साल गए थे उसमें जीवन के सभी निचोड़ आ गए। किस प्रकार कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए, किस प्रकार निरंतर उनके दुख दर्द खुशी में सम्मिलित होना चाहिए, सब चीजें महत्वपूर्ण है और वो करना भी आवश्यक है। विधानसभा के चुनाव हुए, आप सब ने, एक ने नहीं, आप सब ने रात दिन एक कर दिया। मेरे से ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी का। मैं तो घर से 8:30 बजे निकलता, सुबह 6 बजे तैयारी करके बैठे थे दोनों, और सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ विधानसभा में जीती। आप सबने आशीर्वाद देके प्रतापगढ़ में भी और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पिछले 5 सालों में जो कमी हुई है उस कमी की पूर्ति करते हुए आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा इस पूरे क्षेत्र में विकास का काम हो, ये काम करना आवश्यक है। क्योंकि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और मंत्रिमंडल में प्रतापगढ़ को प्रतिनिधित्व दिया गया, उसी समय मन में एक बात ठान ली थी कि इस पूरे क्षेत्र में केवल प्रतापगढ़ नहीं, इस पूरे बांसवाड़ा संभाग में जो जिम्मेदारी मिली है हर तरीके से उस जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण तरीके से और एक एक चीज का ध्यान रख के इस पूरे क्षेत्र में विकास के काम करने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि कमलेश जी ने माननीय नंदलाल जी मीणा के बारे में पूरा विस्तार से बताया। मेरे को पता है जब मैं छोटा सा था उस समय पापा की गाड़ी में बेडिंग रहता था, बेडिंग बिछाने का होता है, और 6-7 दिन गांव में ही रहते थे उस समय, और वही काम अपने को भी प्रमाणित करने का काम। और आपको मैं सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा और पूरे क्षेत्र में जो भी अभाव है उस अभाव की पूर्ति करने का काम करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने प्रदेश अध्यक्ष और यहां से सांसद माननीय सीपी जी के नेतृत्व में इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि 5 साल में इस क्षेत्र को केवल और केवल भ्रष्टाचार के माध्यम से ही पूरे प्रदेश में पहचाना गया है, परंतु आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस पूरे क्षेत्र को वापस जिस प्रकार माननीय नंदलाल जी मीणा ने एक विकास के लिए और विकास का परिचय बनाया था, उसी प्रकार इस पूरे क्षेत्र में वापस विकास का काम अपन सब मिलकर करें। मैं आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से ये कहना चाहता हूं, गलतियां निकालना आसान है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि, क्योंकि वो अब जिम्मेदार हो गए,
उनकी सरकार है इस प्रदेश में, सामान्य जनता आपकी तरफ आशा की नजरों से देख रही है और आशा पे खड़े उतरने का काम प्रत्येक जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों को करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रत्येक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि को कि अपन सब मिलके इस पूरे क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखने का काम करेंगे, क्योंकि आवश्यकता है। हर क्षेत्र में जो भी कमी खामी हुई है उसकी पूर्ति करने का काम अपने सबको करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं राजस्थान की सरकार और भारत की सरकार आपके साथ खड़ी है। आपके साथ खड़ी है और आप सभी से मेरा यह निवेदन है कि आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए अपने को तत्पर होना पड़ेगा। अब एक बात आपसे से निवेदन करना चाहता हूं, पिछली गाथा गाने से काम नहीं चलेगा। उसने ये किया, उसने वो किया, जनता ने अपने को आशीर्वाद दे दिया है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है। अब अपने को प्रमाणित करना है कि अपन क्या करेंगे। आने वाले 5 सालों में जनता भारतीय जनता पार्टी का आकलन करेगी, ये आवश्यक है। अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि उसने ये कर दिया, बाद में ये कमी थी। सब काम, सब जिम्मेदारी अपनी है और अपनों को ये पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय नंदलाल जी मीणा ने पिछले 40 सालों से इस पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास विकास के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में कायम किया है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन्हीं के आधार पर, उन्हीं की भावना को साथ में रखकर इस पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार सूर्य सभी जगह प्रकाश करता है, उस प्रकार विकास के काम सभी जगह होंगे। और विकास के काम में कोई राजनीति नहीं होगी। जनता भारतीय जनता पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक आशा की नजरों के साथ भारत के भविष्य के रूप में देख रही है। सामान्य बात नहीं है। आज पूरे विश्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व गुरु के रूप में दृष्टिगत किया जा रहा है और आने वाले चुनावों में अपने को इसको प्रमाणित करने की जरूरत है। आज जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संकल्प दिला रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है और इसके लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को लगना पड़ेगा, क्योंकि भारत अब तेज गति से विकास की ओर बढ़ रहा है। और इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है नीचे तक सरकार की व्यवस्था जाए, गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित सभी व्यक्तियों का सामूहिक रूप से विकास हो और पूरे क्षेत्र में सड़कें खराब पड़ी है उनको ठीक कराना है, पेयजल की व्यवस्था करानी है, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करानी है, बिजली की व्यवस्था में सुधार कराना है। ऐसे कई चुनौतीपूर्ण कार्य भारतीय जनता पार्टी के सामने है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में इन सभी चुनौतियों को स्वीकार करके इस पूरे क्षेत्र में विकास के लिए अपन निरंतर प्रयास करके इस पूरे क्षेत्र की जो समस्या है उसका समाधान करने का काम करेंगे। वन विभाग में भी जो आवश्यक आधारभूत आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, उनकी भी पूर्ति करने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि अपने विधानसभा क्षेत्र के पश्चिम की तरफ वन विभाग का क्षेत्र है और उसमें मैं खुद भी गया हूं। आज भी रोडों की स्थिति गंभीर है, लाइटें नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है,
वन विभाग के माध्यम से ही इस पूरे क्षेत्र में इसकी सुविधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने अपने परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देके इस विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। आप सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं और मैं आपसे को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने प्रतापगढ़ विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है उस विश्वास के ऊपर खरा उतरने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जनप्रतिनिधि और मैं करूंगा। आप सभी को मैं ये निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि अभी बज गई है 4:45, यहाँ बहुत दूर दूर से आए हुए चेहरे भी दिख रहे हैं, 50-50 और 60-60 किलोमीटर दूर से, न फिर आधे टायर आ जाएगा। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है, कमर कस लें, सामान्य जनता सरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है और इस पूरे क्षेत्र में विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी मंत्रिमंडल में आपकी विधानसभा को प्रतिनिधित्व दिया है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, एक जिम्मेदारी पूर्ण कृत्य करके इस पूरे क्षेत्र में विकास की गाथा गानी है और विकास की गाथा लिखनी है और इसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मैं आपको कह रहा हूं, आपका ये सेवक, आपने जो आशीर्वाद देके जो जनप्रतिनिधि आपने बनाया है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपके हर काम में आपका ये जनप्रतिनिधि, आपका ये सेवक निरंतर आपके साथ रहेगा और इस पूरे क्षेत्र में विकास का काम करेंगे। यही कहकर मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। शाम पड़ गई है। तो आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि इस पूरे क्षेत्र में और आप सभी आराम से जाएं और आने वाले समय में अपन इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि अप्रैल में नरेगा का काम चालू होना चाहिए, जनप्रतिनिधि जो भी है वो तैयारी कर ले। यही कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जो जन जन की